हेलो माय डेयर स्टूडेंट्स सो एन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज किया है और वो सभी स्टूडेंट्स जिनके पास बायोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट था एडिशनल सब्जेक्ट था उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ यहां पर है एनएमसी ने अपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये डिक्लेयर किया है कि ये सभी स्टूडेंट्स अब से नीट के लिए एलिजिबल हैं यू नो सुप्रीम कोर्ट में इस इशू के रिगार्डिंग केस पेंडिंग चल रहे थे जिसकी वजह से इन बच्चों के गले पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी कि पता नहीं कब इस केस का डिसीजन आ जाए और हम नीट के लिए एलिजिबल हो जाएं क्योंकि प्रीवियस क्राइटेरिया कुछ ऐसे थे जिनमें नीट का एग्जाम ये स्टूडेंट्स नहीं दे सकते थे बट अब एनएमसी ने उन सभी चीजों को बिल्कुल क्लारीफाई कर दिया है और ये डिसाइड किया है कि ये सभी बच्चे भी नीट के लिए एलिजिबल हैं। इस नोटिस को हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है आप एन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट फॉर नीट यूजी एलिजिबिलिटी अगर हम इस नोटिस को पढ़ें, तो देखिए ये नोटिस रिलीज हुआ है बाईस uh, नवंबर को और इसमें पहले तो इन्होंने टू uh, पेजेस का नोटिस है इसमें इन्होंने पूरी प्रॉब्लम शुरू से डिस्कस uh, करके आपको बताई है पहले तो ये बताया है कि एक्चुअली में ये इशू हुआ ही क्यों क्यों बच्चों को हमेशा ये डर लगा रहता है तो इसमें लिखा है बच्चों कि पहले जो ग्रेजुएशन मेडिकल जो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड था जो 1997 में जिन्होंने रेगुलेशंस दिए थे उसमें ये लिखा हुआ था कि Uh, candidates must have undergone two years of regular continuous study of the subjects of physics, chemistry, biology or biotechnology in the class 11th and 12th with practicals along with english. and the said two-year study was required to be completed from regular school as a and not from open school or as private candidate. फर्दर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी और एनी अदर रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट जो ये, तो ये मतलब बायोलॉजी बच्चे इन एलिजिबल ही थे बट फिर क्या हुआ आ, फिर ना इस नोटिस में आ, एक इस नोटिस के अगेंस्ट डेली हाईकोर्ट में टू थाउजेंड एटीन में एक केस फाइल हुआ बच्चे ने केस अपले मतलब वहां पर फाइल किया कि भाई ये जो है मुझे मैंने अगर बायोलॉजी लिया है तो मुझे परमिट किया जाए नीट के लिए ठीक है ये केस अब तक 2023 में भी जो भी फॉर्म्स निकले ना सब में फॉर्म्स के इंफॉर्मेशन बुकलेट में लिखा रहता था कि जब तक इस कोर्स इस केस का डिसीज़न नहीं आ जाता तब तक वो बच्चे एलिजिबल हैं बट जब भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी बट एन को इससे रिगार्डिंग कई सारे इश्यूज़ मिले कई सारी एप्लीकेशंस मिली तो एन ने क्या किया इफ़ यू रिमेंबर जून में मैंने एक वीडियो भी बनाया था एन ने जीमा 2023 नाम से कुछ न्यू रेगुलेशन रिलीज किए ओके okay? और उन रेगुलेशन के रिलीज होने के बाद एनएमसी में एक मीटिंग हुई जिसमें NMC ने क्या किया देखिए क्लियरली हाँ पर लिखा है परमिट ग्रेट एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टडी ऑफ वेरियस इन क्लास ट्वेल्व डिसाइडेड दैट द प्रीवियस अप्रोच ऑफ द अर्स्टवाइल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नीड्स टू बी रिविजिटेड बाय परमिटिंग द कैंडिडेट्स टू अंडरटेक स्टडी ऑफ द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स कौन से रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक अलॉन्ग विद इंग्लिश इवन एज एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को नॉट ओनली बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट को बट तो फिजिक्स सेमिस्ट्री तो जनरली होता ही है साइंस के बच्चों के पास है ना अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ रहा है और उसमें भी ये लिखा है कि इवन आफ्टर पासिंग द क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ पास करने के बाद भी अगर आपने इस सब्जेक्ट को लेकर अपना फिर से कोर्स किया है तो कहाँ से किया है फ्रॉम ड्यूली रिकॉग्नाइज बोर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगुलर स्कूल ही हो कंसर्न गवर्नमेंट ने जिनको भी रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उसमें ओपन स्कूल प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कैंडिडेट सब आते हैं ये सब गवर्नमेंट से ऑथोराइज है ठीक है तो ये सभी बच्चे सच कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू अपियर इन नीट यूजी टेस्ट एंड रिजल्टेंटली आल्सो बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो आपको अभी या बाद में काउंसिलिंग में या फर्दर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एनएमसी के अकॉर्डिंग यू आर एलिजिबल ठीक है जस्ट लाइक अ रेगुलर कैंडिडेट जो इलेवन ट्वेल्थ रेगुलरली करते हैं बिल्कुल उन्हीं की कैटेगरी में आप है अकॉर्डिंग टू एन एम सी बस आपको अपनी तैयारी पक्की करके नीट क्रैक करना है ठीक है आगे क्या लिखा है इसमें अच्छा हाँ ये भी इन्होंने क्लारीफाई किया है बच्चों की ये जो डिसीजन है ना ये उन बच्चों पर भी अप्लाई होता है अगर पहले कभी उनका कोई फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कोई क्वेश्चन uh, मार्क uh, लगा दिया गया हो तो उन सबके लिए भी ये न्यू रूल अब एप्लीकेबल है ठीक है एंड ये भी लिखा हुआ है दैट फर्दर कोर्ट केसेस फाइल्ड बाय एमसीआई और एनएमसी एज बिफोर एनी ऑनरेबल कोर्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी विदड्रॉन

एन सी कि भाई हर वो बच्चा जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इनमें से कोई भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट अगर एडिशनल सब्जेक्ट रहा हो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, हो सकता है इलेवेंथ में किसी वजह से आपके पास मैथ्स हो अब आपको लगाओ कि नहीं यार मुझे तो बायो लेना है ट्वेल्थ में आपने अपना सब्जेक्ट चेंज किया और एक ही साल बायो पढ़ा हो या फिर वो बच्चे जिन्होंने रेगुलर स्कूल से ना करके ओपन स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपना ट्वेल्थ का एग्जाम दिया विद एनी ऑफ द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स तो वो सभी बच्चे नीट के लिए एलिजिबल हैं ठीक है तो अब आपको डरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट फोकस्ड ऑन योर नीट प्रिपरेशन अब आपको नीट देने से कोई नहीं रोक सकता सारे जो पेंडिंग केसेस थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं जस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए यू you नो know, हमारे इसी चैनल पर टारगेट थ्री सिक्सटी एनसीआर टी लाइन बाई लाइन के नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं डेली फाइव थर्टी पी एम पर एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें कि एनसीआर टी को मैं लाइन बाय लाइन एक एक कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अगर आपसे सेशंस मिस हो गए तो आप उनको एक बार जरूर से देखो जो बच्चे स्पेशली मैं कहूँगी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं और एनसीआर टी पे उनकी कमांड नहीं है उनके लिए दीज आर वेरी वेरी गुड सेशन ओके प्लस एक और अपडेट दे देती हूँ बच्चों में यहां पर आपको कि एनएमसी ने जो सिलेबस दिया था उससे रिलेटेड भी कंफ्यूजन चल रहा था ना तो एन ने भी हाल ही में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और एनएमसी के सिलेबस पे ही अपनी मोहर लगा दी है वैसे भी हर साल की बात है बच्चों एन वही सिलेबस फॉलो करता है जो एन रिलीज करता है तो इस बार भी जो कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड करूंगी जिसमें आपको वो नोटिफिकेशन बता दूंगी तो अब आपको इसी एल के रिलीज सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी न्यू एन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे इसी चैनल पर नीट 2024 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप उन्हें जरूर से देख लें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें गुड लक